हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमरॉक। गाइज, इस वीडियो में देखेंगे गिनतारा पाठ्यपुस्तक के पार्ट नंबर 8, दशमलव संख्या और भिन्न, उसका सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान बताओ का है 2.341 × 100। जब 100 का गुणा करेंगे तो डेसिमल जो है राइट साइड दो अंक शिफ्ट हो जाएगा, यानी 234.1 हो जाएगा। इसी तरीके से कहा है 3.2 × 1000, तो इसमें 3 जीरो जब ऐड होंगी उसके बाद जो डेसिमल आएगा वो 3200 के बाद आ जाएगा, यानी 3200 हो जाएगा। इसी तरीके से गा घा इंग्या और चा प्रश्न जो है कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विवेक ने रजाई में 4.5 किलोग्राम तथा गद्दे में 3.750 किलोग्राम रुई भरवाई, बताओ उसने कुल कितनी रुई भरवाई। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे विवेक ने रजाई में रुई भरवाई बराबर 4.500, विवेक ने गद्दे में रुई भरवाई बराबर 3.750। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो विवेक ने कुल रुई भरवाई बराबर 8.250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिला की ऊंचाई 1.05 मीटर थी, अब उसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर हो गई, बताओ उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर बढ़ गई। तो क्या करेंगे, शिला की वर्तमान ऊंचाई है 121 सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में ही रखेंगे। उसके बाद शिला की पहली ऊंचाई, जो पहले ऊंचाई थी वो है 1.05 मीटर, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी 100 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा 105 सेंटीमीटर। तो बड़ी हुई ऊंचाई क्या हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर माइनस 105 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई जो बड़ी है वो है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 मीटर कपड़े का मूल्य 53.50 रुपये है, तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 53.50 रुपये, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 53.50/2 रुपये, यानी 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद 13 मीटर कपड़े का मूल्य जब पूछा जाएगा तो 13 का गुणा कर देंगे 53.50/2 × 100, तो आंसर दे देगा 347.75 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। एक कनस्तर में 16 लीटर तेल है, इसमें 0.85 लीटर धारिता की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं और कितना तेल बचेगा। तो हम इसको हल करेंगे, 0.85 लीटर तेल भरेंगे बराबर 1 बोतल, तो 16 लीटर तेल भरेगी बराबर 1 × 16/0.85 बोतल। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लिया, यानी अंश और हर में 100 का गुणा किया तो ऊपर हो गया 1600/85, तो भागफल आया 18 तथा शेष आया 70। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि 18 बोतल भर जाएंगी और 70 ml या 700 ml जो लीटर तेल बच जाएगा, यानी कि 0.70 लीटर तेल बच जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 86 मीटर लंबे तार से 4.3 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तार की लंबाई है 86 मीटर, तो 4.3 मीटर लंबाई के टुकड़े काटे जा सकते हैं। क्या करेंगे, 86 में भाग दे देंगे 4.3 का। उसके बाद इसको हल करेंगे, 86 × 100 किया बटे 10, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ से वैल्यू दे देगा 20, तो यहाँ टोटल जो टुकड़े बनेंगे वो बनेंगे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पंसारी के पास 6 किलोग्राम धनिया पाउडर है, उससे 38 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो 38 ग्राम धनिया का बनता है 1 पैकेट, तो 1 ग्राम धनिया का बनेगा 1/38 पैकेट, तो 6 किलोग्राम यानी 6000 ग्राम धनिया के बनेंगे, 6000/38 पैकेट बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे भाग देंगे तो आ जाएगा भागफल 157 और जो शेष बचेगा 34, यानी कि 38 ग्राम के 157 पैकेट बनाए जा सकते हैं तथा 34 ग्राम धनिया जो है सेव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।